हेलो everyone and एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू यूज़ फ्रेगमेंट So सो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो recycler view क्रिएट किया था उसके उसके अंदर जो डिफरेंट crimes हम लोगों ने पॉपुलेट किए थे हम लोग ये चाहेंगे कि whenever I आई क्लिक ऑन particular पर्टिकुलर लिस्ट आइटम तो उसकी जो डिटेल्स हैं दे मस्ट बी लोडेड और दे मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन अदर एक्टिविटी और इन अदर फ्रेगमेंट तो इसके लिए हमें करना सिर्फ ये पड़ेगा कि उस लिस्ट में से एक आई जो क्राइम आई है वो हमें लेकर भेजनी होगी टू द नेक्स्ट एक्टिविटी और वो एक्टिविटी उस क्राइम आईडी को इस्तेमाल करते हुए अपने पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के अंदर हमें उस क्राइम की डिटेल्स दिखा सकेगी सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड लेट मी जस्ट शो यू के हम लोग ऑलरेडी कहाँ पर थे और अब हम क्या अचीव करने जा रहे हैं सो इफ़ आई लोड दिस एप्लीकेशन तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दैट आई हैव डिफरेंट क्राइम्स और इन क्राइम्स में से कुछ क्राइम्स जो हैं दे आर सॉल्व एंड सम ऑफ देम आर नॉट सॉल्व फॉर एग्जाम्पल क्राइम नंबर वन हेयर इज़ सॉल्व मैं इसको क्लिक करता हूँ तो द डिटेल्स शुड लोड हेयर और जैसे ही डिटेल्स लोड होंगी तो क्राइम का टाइटल नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे स्टेटस नज़र आ रहा है सो so, मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर स्टेटस चेंज करूँ एंड आई ट्राई टू गो बैक तो आई सी दैट द स्टेटस इज़ ऑल्सो अपडेटेड हेयर एज वेल सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट क्राइम को सॉल्व कर देता हूँ और वापस जाता हूँ तो आई कैन सी द अपडेट हेयर सो मैंने दो काम किए नंबर वन इफ़ आई क्लिक ऑन दट लिस्ट तो मेरी जो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लोड हो रही हैं सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे मॉडल में चेंज कर रहा हूँ दैट मीन्स क्राइम ऑब्जेक्ट की जो स्टेटस है उसके अंदर कोई तब्दीली कर रहा हूँ तो दैट दैट तब्दीली दैट चेंज मस्ट बी डिस्प्लेड एट द पेरेंट रिसाइकलर व्यू जहाँ पे बेसिकली मेरी सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं अच्छा और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज कम हेयर इंड आस्क दिस क्राइम टाइटल टू बी ऑफ वन मैं ऐसे कहता हूँ इट इज डबल एट डबल एट एंड देन आई गो बैक तो आई कैन सी दैट द टाइटल इज़ ऑल्सो अपडेटेड सो मैं मॉडल में जैसे ही चेंज करूँगा तो रिसाइकलर व्यू क्योंकि अडोप्टर के यूज़ कर रहे हैं तो मैं अडोप्टर का जो चेंज है उसको नोटिफाई करूँगा विद द कोड विद द हेल्प ऑफ द कोड फंक्शन कॉल तो वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी तरह से अगर मैं इसका स्टेटस अपडेट करता हूँ तो ये स्टेटस भी यहाँ पे मुझे अपडेटेड फॉर्म में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है जी तो एज़ यूजल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर कोड जिसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमारा ऑन क्लिक का मेथड है रिसाइकलर व्यू का हम उसमें अपनी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते सो वी नो दैट हमारी जो क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट एक्टिविटी है इनफैक्ट uh, जो क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट की जो क्लास है उस क्लास के अंदर हमारे पास वी वर हैंडलिंग द ऑन क्लिक व्यू और उस ऑन क्लिक के अंदर फिलहाल हम लोग एक टोस्ट मैसेज दिखा रहे थे सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट कॉमेंट दिस आउट एंड सिंपली इंस्टेड ऑफ शोइंग द टोस्ट मैसेज मैं ये करना चाह रहा हूं कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो आई I मीन mean, किसी एक सिंगल आइटम के ऊपर क्लिक हो तो आई एम गोइंग टू क्रिएट एन इंटेंट ऑब्जेक्ट एंड आई विल अ न्यू इंटेंट ऑब्जेक्ट विच विल नीड द एक्टिविटी सो so, मैं अपनी जो होस्टिंग एक्टिविटी है उसका ऑब्जेक्ट इसको पास कर दूंगा एंड सेकेंडली जो क्लास मैंने ओपन करनी है रिमेंबर हमारा जो फ्रेगमेंट डिटेल्स हैं वो हम लोग अपने अपने इस वाले लेआउट के अंदर दिखा रहे थे लेट वी शो यू दैट लेआउट सो ये वो लेआउट था जिसको हम यूज़ कर रहे थे सो क्राइम फ्रेगमेंट एक्टिविटी या जो क्राइम फ्रेगमेंट जिस एक्टिविटी के अंदर होस्टेड है हमें उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है ताकि जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो तो हमारा जो क्राइम फ्रेगमेंट है वो पॉपुलेट हो जाए हमें ना सिर्फ इसको पॉपुलेट करना है बल्कि साथ में इसको एक यूनिक क्राइम आईडी भेजनी है ताकि ये उसकी डिटेल्स को लोड कर सके तो हम वापस इसी क्लास में आते हैं एंड फ़िलहाल मैं इसीलिए अपनी क्राइम एक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इनफैक्ट एक, जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है उसके अंदर मैं क्राइम एक्टिविटी क्लास का नाम पास कर रहा हूँ एंड देन आई कैन सिंपली कॉल द स्टार्ट एक्टिविटी मैथर्ड और ये इंटेंट ऑब्जेक्ट में इसमें पास कर दूंगा तो इससे क्या होगा जी कि आई हैव डिसाइडेड कि जब क्लिक होगा ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे एक छोटा सा इशू सिर्फ ये है कि इस वक्त एक्टिविटी तो स्टार्ट हो जाएगी आ, लेकिन जो हमारा फ्रेगमेंट है दैट विल बी अ ब्लैंक फ्रेगमेंट और उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा सो इफ यू रन दिस सो द एप्लीकेशन इज लोडेड जैसे ही मैं किसी भी क्राइम पे क्लिक करता हूँ तो आई एम टेकन टू द इन अदर स्क्रीन इन अदर एक्टिविटी और उसके अंदर फ्रेगमेंट अब दैट्स प्लान बट आई नीड टू डू इज़ टू हैव द प्रॉपर टाइटल हेयर एंड हैव द प्रॉपर स्टेटस बेस्ड ऑन अगर ये सॉल्व है तो सॉल्व आएगा और जो भी टाइटल है वो यहाँ पर नज़र आना चाहिए तो वट शुड वी डू नाउ हम लोगों को इंटेंट के ऑब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी पास करना चाहिए सो वी कैन पास दिस क्राइम आईडी डी विच इज़ समर ओवर हेयर ये जो करंट क्राइम ऑब्जेक्ट है जिसको हम बाइंड कर रहे हैं हम लोग इसी क्राइम ऑब्जेक्ट का जो आईडी uh, है वो निकाल के यहाँ पे इंटेंट में साथ ही स्पेसिफाई कर सकते हैं और पास कर सकते हैं अच्छा जी ये काम करने के लिए मैं एक छोटा सा कन्वेंशन uh, फॉलो करता हूँ और वो ये कि लेट सपोज इस इंटेंट के थ्रू मैं क्राइम एक्टिविटी को ओपन करना चाह रहा हूँ द एक्सप्लिसिट इंटेंट फॉर ओपनिंग और स्टार्टिंग द क्राइम एक्टिविटी तो कन्वेंशन ये है कि जिस एक्टिविटी को आपने ओपन करना है उस एक्टिविटी के अंदर ही अगर हम एक मैथड ऐड कर दें एंड दैट मैथड वुड बी पब्लिक स्टैटिक मैथड और इसका काम ये होगा कि दिस मैथड विल बी रिक्वायर्ड या दिस मैथड विल बी कॉल्ड वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव एन इंटेंट टू ओपन और स्टार्ट दिस एक्टिविटी सो लेट्स राइट दिस मैथड आई एम लोइ टू नेम दिस एज न्यू इंटेंट और इसके अंदर टू बेसिकली स्टार्ट एन इंटेंट मुझे क्या चीज़ें चाहिए वो कोड मैं इसके अंदर लिखूँगा एंड देन आई विल डिसाइड सो इंटेंट ऑब्जेक्ट इसके अंदर एक बनाएंगे दैट इंटेंट ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग अ कंस्ट्रक्टर सो हम इंटेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वी नीड अ कॉन्टेक्स्ट एंड द क्लास नेम विच इज़ द एक्सप्लिसिट क्लास नेम जिसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम यहाँ से ले, ले लेते हैं सो so, हम कहते हैं जी द वन हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी शुड प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट सो आई वुड नेम इट एज पैकेज कॉन्टेक्स्ट सो आई विल पास द पैकेज कॉन्टेक्सट दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ द नेम ऑफ द क्लास सो वी वॉन्ट टू स्टार्ट द क्राइम एक्टिविटी सो मैं यहाँ पे क्राइम एक्टिविटी क्लास का नाम डॉट क्लास करके पास कर देता हूँ uh, अच्छा द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट इज टू पुट सम एक्स्ट्रा डेटा बिकॉज इंटेंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं तो हम जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी यहीं पर इसके अंदर रखेंगे फॉर आवर केस वी नीड टू पुट आई यूनिवर्सली यूनिक आई डी यू यू आई डी ऑब्जेक्ट तो हम वो भी ऐसा करते हैं कि इस इंटेंट को बनाने के लिए जो भी आई मीन स्टार्ट करेगा क्रिएट कर रहा होगा वो हमें साथ में Uh, जो यूनिवर्सली यूनिक आईडी है विच इज़ बेसिकली द क्राइम आईडी वो भी पास करेगा ठीक है आई कैन इम्पोर्ट दो पैकेजेस एयर जस्ट टू गेट रेड ऑफ दोर सो आई एम टू पुट एक्स्ट्रा अब इसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए वन इज कॉल्ड दी आई डी सो मैं क्या करता हूँ ऊपर एक uh, uh, आई डी रख देता हूँ uh, Which is of, again, इसको एक constant कर देते हैं The type of this ID is string, and एंड main मैं इसका नाम रख रहा हूँ uh, extra crime ID। डी अब क्या करना है uh, मुझे इसको एक value भी देनी है So just to make it unique, मैं अपना package का नाम इसके साथ लगा लेता हूँ so that it, इट सॉरी सो दैट इट रिमेन्स यूनिक और पैकेज के नाम के बाद इसमें मैं कंकटिनेट कर रहा हूँ या एड कर रहा हूँ क्राइम आंड्रस्कोर आई डी ओके लिट मीन जस्ट एक्स्ट्रा डेटा ना हो सो द नेम वैल्यू पेयर तो हमने जो अभी नाम रखा है विच इज़ एक्स्ट्रा अंडरस्कोर क्राइम आई और जो वैल्यू है वो ये होगी जो हमें यहाँ से पास की जा रही है विच इज़ दिस वैल्यू सो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं और हम ये जो अभी अभी हमने इंटेंट बनाया है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं तो अब ये मेथड अब कॉल किया जा सकता है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास स्टैटिक मेथड है तो इसे क्लास के नाम पे कॉल कर सकते हैं और जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो हमें इंटेंट भी बना के देगा उसमें एक्स्ट्रा डेटा भी रख के देगा हाँ हमें इसे कॉल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट और वो डेटा जो हम इसके अंदर रखना चाह रहे हैं वो पास करना होगा लेकिन समझ लो कि ये आ, हम कहते हैं जी कि क्योंकि इस एक्टिविटी को ओपन करना है आ, तो ये इसी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा इंटेंट ऑब्जेक्ट हमें बना के दे जो उसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सके तो इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर ये न्यू इंटेंट का मेथड रख दिया अब हम अपनी लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास के अंदर वापस आएंगे जहां पे हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट खुद बना रहे थे और स्टार्ट कर रहे थे एक्टिविटी को मुझे खुद से इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं इस कोड को चेंज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब क्राइम एक्टिविटी डॉट सॉरी क्राइम एक्टिविटी डॉट गेट इंटेंट क्या था क्रिएट इंटेंट न्यू इंटेंट मैथड का नाम था न्यू इंटेंट और इस न्यू इंटेंट के मेथड को क्या क्या चाहिए फर्स्ट थिंग दैट दिस नी इज़ अ कॉन्टेक्स्ट सो कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे बेसिकली ये क्योंकि हम एक फ्रेगमेंट क्लास के अंदर हैं दिस इज़ द फ्रेगमेंट सॉरी जी मैं इसको दिखा दूँ आपको दिस इज़ अ फ्रेगमेंट तो इस फ्रेगमेंट को जो भी एक्टिविटी होस्ट कर रही है बेसिकली वो इज़ दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट सो वी कैन यूज़ दिस गेट एक्टिविटी टू गेट द कॉन्टेस्ट दूसरी चीज़ जो हमें इसमें क्राइम पास क्राइम आई डी पास करनी है सो so, मैं कहूँगा एम क्राइम ये ऑब्जेक्ट है जो करंटली हम लोग इस रिसाइकल रिव्यू के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं डॉट गेट आई डी तो जो क्राइम की आई डी है वो हम पास कर देंगे जैसे ही हमें इंटेंट मिलेगा हम यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी का मैथड कॉल करेंगे नाउ इफ यू रन दस अगेन तो हमें पता चलेगा दैट देर इज़ नो स्पेसिफ़िक डिफरेंस अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फॉमेसन नहीं आ रही वजह क्या है इंटेंट में डेटा डाल के हमने भेज तो दिया है इस फ्रेगमेंट के पास इनफैक्ट हमने डेटा एक्टिविटी को भेजा होता है और एक्टिविटी जो है गेट इंटेंट का मेथड कॉल कर सकती है तो वो डेटा यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हुआ आई एक्सेस करके और फिर उसको लोड करना होगा तो so, अब हमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए ये करना पड़ेगा कि हम लोग अपनी क्राइम फ्रेगमेंट क्लास के अंदर जाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे हम लोगों ने आ, उस पार्ट को दिखाना होता है जिसमें हमारी क्राइम डिटेल्स नज़र आ रही हैं और इसके ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर हम लोग अपना गेट इंटेंट का मेथड कॉल कर सकते हैं सो so, जहाँ पे आप लोग अपना नया ऑब्जेक्ट बना रहे थे और पॉपुलेट कर रहे थे उसको इंस्टेड हम क्या करेंगे यहाँ पे आई कैन यूज़ दैट यू यू आई डी एम यूनिवर्सिटी यूनिक एक आई टाइप का वेरिएबल जिसमें मैं क्राइम आई को गेट करूँगा कहाँ से डेफिनेटली जी उसी इंटेंट से सो आई एम गोइंग टू से द होस्टिंग एक्टिविटी ये मेरी वो होस्टिंग एक्टिविटी है उस पर गेट इंटेंट का मैथड कॉल कर लेंगे सो आई विल गेट द इंटेंट और उसके ऊपर आई एम गोइंग टू कॉल दिस गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा ये जो यू यू यूनिवर्सली यूनिक आई है ये सीरियलाइजेबल क्लास है तो मैं सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा जो है ये गेट कर रहा हूँ सो आई एम गोइंग टू गेट द सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा एंड आई एम गोइंग टू पास द द आईडी सो अगर आपको आईडी याद हो यहाँ पे क्राइम एक्टिविटी में आपने इसको स्टैटिक एंड फाइनल किया था पब्लिक किया था तो आप ये एक्स्ट्रा क्राइम आई को दे के अपनी ये क्राइम आई की जो वैल्यू है एक्सेस कर सकते हो सो मैं अपनी फ्रेगेंट क्लास में आऊँगा क्राइम एक्टिविटी डॉट एक्स्ट्रा क्राइम आई और जैसे ही मुझे क्राइम आई मिल जाएगी तो उसके बाद मैं अपनी क्राइम लैब से आपको याद होगा आ, मैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोड करने की बजाय मैं अपनी क्राइम लैब से क्राइम लैब क्लास वी विल गेट द क्लास इनफैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट टू बी प्रिसाइज ये जो गेट का मेथड है ये हमें क्लास का ऑब्जेक्ट दे देता है सो कॉन्टेक्स पास करना है तो ये जो uh, मेरा फ्रेगमेंट है इसका पेरेंट एक्टिविटी होस्टिंग एक्टिविटी मैं इसको दे दूँगा ये जो गेट का मेथड है अगर मैं आपको दिखा सकूं और याद करा सकूं तो ये एक वही सिंगल्टन क्लास थी जिसका एक गेट का मेथड लिखा था और वो हमें करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रिटर्न करता है तो इसलिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ जब ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एक्टिविटी पास करने पर तो मैं इससे गेट क्राइम ले सकता हूँ विद द विद द हेल्प ऑफ पासिंग माई आई सो मैं इसको अपनी क्राइम आई पास करता हूँ दैट्स इट तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी द ऑब्जेक्ट जो कि इस वक्त Uh, इस क्राइम आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और फिर ऑफ कोर्स ये आगे इस फ्रेगमेंट के अंदर जो आप यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे थे ऑन क्रिएट व्यू के अंदर व्यू की इनिशलाइजेशन वाला कोड था वो इस ऑब्जेक्ट को लेके था यानी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप यूटिलाइज करते हो इसमें इसकी डेट गेट करते हो इसका सॉल्व स्टेटस गेट करते हो एंड उसका टाइटल गेट करते हो और उसको सेट कर रहे होते हो तो अपने कंट्रोल्स के ऊपर आई हैव गॉट द द इंटेंट ऑब्जेक्ट ठीक है इंटेंट ऑब्जेक्ट से मैंने अपना ऑब्जेक्ट लोड भी कर लिया है लेकिन अब मुझे वैल्यूज़ को पॉपुलेट भी करना है सो ऑन क्रिएट व्यू के अंदर आके जहाँ पे मैं अपना डिटेल सेट कर रहा था वहाँ पे मुझे चीज़ों को अपडेट करना है मिसाल के तौर पे लिसनर के ऊपर मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो जैसे ही मुझे चेकबॉक्स मिल जाएगा यहाँ पर मैं करूँगा दैट द स्टेटस इसका जो है सेट चेक इज एम क्राइम डॉट इज सॉल्व ठीक हो गया सो so, ये मेरा सॉल्व का स्टेटस अपडेट हो जाएगा इसी तरह से जो डेट है मुझे उसको भी फिक्स करना है सो टू सेट द डेट इट्स ऑटोमेटिकली गेटिंग द डेट और उसको सेट कर रहा है बटन के ऊपर हाँ मुझे टेक्स्ट जो है यहाँ पे अपडेट करना है सो एम टाइटल फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में मुझे पास करना है अपने क्राइम ऑब्जेक्ट से लेके टाइटल सो जो भी उसका टाइटल है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा ठीक हो गया सो so, टाइटल ले लिया इसी तरह से सॉल्व स्टेटस ले लिया और इसी तरह से उसकी डेट ले ली सो वट एवर इज़ द डेट फॉर द क्राइम और डेट वहाँ पे नजर आएगी एंड सो ऑन नाउ इफ वी रन एप्लीकेशन तो मैं देख सकता हूँ कि इफ आई क्लिक ऑन अ क्राइम तो मुझे उसका क्राइम का टाइटल उसकी डेट और उसका सॉल्व स्टेटस यहाँ पे नजर आने लग गया सिमिलरली अगर मैं वापस आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ इट्स नॉट सॉल्व दिस वन इज़ सॉल्व एंड लेफ्ट लेट्स सपोज अगर मैं इस, अभी इसको चेंज करता हूँ और वापस जाता हूँ क्राइम नंबर फोर है तो क्राइम नंबर फ़ोर का जो आइकन है दैट्स नॉट गोइंग टू बी अपडेटेड ये स्टिल सॉल्व दिखा रहा है वेर एज अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्टेट स्टेट देखूँ तो यहाँ पर अपडेटेड है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्राइम का टाइटल भी चेंज कर देता हूँ तो वो भी कोई फ़र्क नहीं डाल रहा सो so, अगर मैं इसको किसी भी तरह से यहाँ चेंज कर रहा हूँ वापस आता हूँ तो स्टिल क्राइम नंबर फोर असल में क्या हो रहा है अगर मैं अब देखता हूँ तो स्टिल ऑब्जेक्ट जो है मॉडल के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है और हम यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू दिखा रहे हैं लेकिन जो रिसाइकलर व्यू है दैट्स नॉट येट अपडेटेड तो हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना है प्लस एक छोटा सा डिज़ाइन के हवाले से इम्प्रूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमने करनी है सो ये दो काम बाकी हैं तो सबसे पहले जहाँ तक डिज़ाइन का इशू है यहाँ प्रॉब्लम छोटा सा ये आ रहा है इस वक्त कि अगर आप और करें तो मैंने क्राइम फ्रेगमेंट क्लास के अंदर इंटेंट गेट किया डायरेक्टली और ना सिर्फ मैंने इंटेंट गेट किया है बल्कि क्राइम फ्रेगमेंट क्लास को दिस इज़ द क्राइम फ्रेगमेंट क्लास मैंने इसको डिपेंडेंट कर दिया है ऑन द क्राइम एक्टिविटी क्लास मैं यहाँ पर क्राइम एक्टिविटी का एक एक कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ सिमिलरली मैं अपनी होस्टिंग एक्टिविटी का गेट कर रहा हूँ सो द बेसिक इशू हेयर इज़ दैट आई एम मेकिंग दिस डिपेंडेंट ऑन एन एक्टिविटी एंड दैट्स दैट द दिस दिस अप्रोच इज़ मेकिंग दिस फ्रेगमेंट लेस रीयूज़बल इसको जब भी यूज़ करना होगा तो हमें इस क्राइम एक्टिविटी की साथ में ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ अगेन नॉट रिकमेंडेड बेहतर यह है कि हमारे फ्रेगमेंट जो हैं अगर हमने उन्हें रीयूजबल रखना है तो दे मस्ट नॉट बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईचर और इनफैक्ट नॉट ऑन ईच अदर इनफैक्ट ऑन ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द कोड अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे वी विल एड दिस और इन्फैक्ट रिमूव दिस डिपेंडेंसी और वी विल ऐड द इंडिपेंडेंस और वो इंडिपेंडेंस लाने के लिए वी कैन यूज़ द फ्रेगवेंट आर्ग्यूमेंट्स कैसे लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मुझे क्या करना है जी कि मुझे अपना जो सेट आर्ग्यूमेंट्स का मैथड है वो कॉल करना है सो आई हैव अ सेट आर्ग्यूमेंट्स मैथड जो कि फ्रेगमेंट क्लास के अंदर है लेकिन मसला क्या है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अटैच एन आर्ग्यूमेंट टू अ फ्रेगमेंट इट मस्ट बी डन आफ्टर द फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड बट बिफोर इट इज़ एडेड टू एन एक्टिविटी इसका मतलब है कि जब मैं फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना लूँगा इट इज़ इन द कंस्ट्रक्टर यानी जब मैं फ्रेगमेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ और फिर उसको मैं एक्टिविटी के अंदर पास करता हूँ उसको होस्ट कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों के दरम्या दरमियान मैं फ्रेगमेंट के साथ उस, उसके आर्ग्यूमेंट्स को अटैच कर सकता हूँ अब ये करने के लिए आमतौर पर जो एक कन्वेंशन डेवलपर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि आ, एक अदर एक अलग मेथड जो है वो ऐड करते हैं सो so हम उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और क्राइम फ्रेगमेंट क्लास को ये जो डिपेंडेंसी हमने ऐड कर दी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं सो so, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे एक सिंपल एक सा मैथड जो है वो ऐड करना है लेट्स जस्ट नेम दैट मैथड एज़ मैं इसको ऑन क्रिएट के ऊपर ही यहाँ पे बना देता हूँ सो दैट मैथ मैथड शुड भी अगेन स्टैटिक एज़ेल और इसे स्टैटिक रखने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं बग़ैर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल करूँगा ये मुझे एक अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सो so, इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ न्यू इंस्टेंस और इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे फ्रेगमेंट का इंस्टेंस बनाने के लिए आई वुड बी सेंग सिर्फ ये मुझे इंस्टेंस बना के देगा कि बल्कि साथ ही मेरे इस फ्रेगमेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी ऐड कर देगा सो so, उन आर्ग्यूमेंट्स में जो आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए दैट इज़ द क्राइम आई सो मैं क्राइम आई को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ऐड करवा लूँगा सो so, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि आई विल क्रिएट अ बंडल ऑब्जेक्ट ठीक है बिकॉज जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बंडल एंड फिर इन इस बंडल में मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करूँगा सो आर्ग्यूमेंट्स डॉट

और इसका नाम हम फिलहाल कुछ भी रख सकते हैं बट लेट्स से मैं इसे कहता हूँ argument underscore crime underscore आई डी और इसमें अब आई एम नोइंग टू नेम इट एज इसकी जो वैल्यू में रख रहा हूँ दैट विल बी क्राइम आई डी यहाँ पर आते हैं इसके अंदर हम अपना यही वाला जो की है ये दे देते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हम अपने जो पैरामीटर से हमने अभी भी ली थी वहाँ से हम लेके इधर पास कर देते हैं। अब हमने क्या करना है हमने अपना इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सो आई एम गोइंग टू नेम इट एज फ्रेगमेंट रेफरेंस वेरिएबल और न्यू क्राइम फ्रेगमेंट बिकॉज अब जब भी किसी को इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो वो इस न्यू इंस्टेंस मेथड को कॉल करेगा और अपना आईडी देगा एंड देन वी विल बी मेकिंग इट सम हाउ लेस डिपेंडेंट ऑन अदर क्लासेस इनफैक्ट कुछ हद तक हम इसकी डिपेंडेंसी ऑन द क्राइम एक्टिविटी क्लास जो है वो ख़त्म कर देंगे सो आई मीन टू से फ्रेगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट्स इसमें एक सेट आर्ग्यूमेंट्स का मैथड है जिसमें हम बंडल टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं तो मैं बंडल का ऑब्जेक्ट इसको पास कर देता हूँ और इसके बाद ये जो मैंने अभी अभी फ्रेगमेंट बनाया मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमने आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करना होता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और फ्रेगमेंट को एक्टिविटी में होस्ट करने से पहले तो अगर तो हम कंस्ट्रक्टर बना लें तो फिर कंस्ट्रक्टर बना के हम फ्रेगमेंट को डायरेक्टली वहीं पर पास करते हैं और एक्टिविटी में होस्ट हो जाता है तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल कर लिया उसको एक मैथड में डाल के उस मैथड को कॉल किया कंस्ट्रक्टर बनाया आर्ग्यूमेंट्स को सेट कर दिया और वो फ्रेगमेंट रिटर्न कर दिया अब क्या होगा ये फ्रेगमेंट जहाँ पे भी रिटर्न होगा हम इसको इजीली वहाँ पे इजीली होस्ट कर सकेंगे तो हमारा वो जो वो जो विंडो थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और होस्ट से पहले पहले आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने थे वो हमने सक्सेसफुली कर लिया अब सवाल ये है कि ये यूनिवर्सली यूनिक आइडिया हमें मिलेगी कहाँ से ये वहाँ से मिलेगी जहाँ पे हम इस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट जो है हम बना रहे हैं अपनी क्राइम एक्टिविटी क्लास के अंदर विच इज़ दिस वन न्यू क्राइम फ्रेगमेंट सो अब हम ये करने की बजाय आई मीन आई इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस न्यू क्राइम फ्रेगमेंट डायरेक्टली मैं क्या करूँगा मैं आ, एक आ, समझ लें कि यहीं पर आई एम गोइंग टू आई मीन आई मीन राइट दिस कोड और रिप्लेस दिस कोड सम हाउ सो मुझे क्या करना है आई हैव टू गेट इंटेंट जैसे ही इंटेंट मिल जाएगा तो उसमें से मैं वो एक्स्ट्रा uh, डेटा जो है वो निकालूंगा विच इज़ द यूनिवर्सली यूनिक आई डी सो आई एम गोइंग टू गेट दैट एंड अगर आपको याद हो तो उसकी जो वैल्यू हमने रखी थी दैट्स दिस वन एक्स्ट्रा क्राइम आई डी अच्छा ये मुझे एक यूनिवर्सली यूनिक आई डी रिटर्न करेगा सो so इसको मैं सेव कर लूँगा अपने एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल के अंदर और इस आई डी को यूज़ करते हुए मैं एक नया क्राइम फ्रेगमेंट जो है वो क्रिएट करूँगा और आपको याद है क्राइम फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्राइम फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस और इसके अंदर मैं अपनी ये क्राइम आई डी पास कर दूंगा ये अभी अभी मैथड मैंने डिफाइन किया था और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से इसने मुझे क्या रिटर्न इस क्रिएट फ्रेगमेंट मैथड का मकसद है कि एक फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करे सो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं तो अब क्या होगा हमारा फ्रेगमेंट होस्ट भी हो जाएगा और हमने यहाँ पर क्राइम फ्रेगमेंट क्लास के अंदर जहाँ हम लोग ये वाला काम कर रहे थे हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमने फ्रेगमेंट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ जो है सेट कर दिए और समाओ इस फ्रेगमेंट तक पहुँच जाएंगी अब टाइम है उन वैल्यूज़ को गेट कर तो आर्ग्यूमेंट्स को गेट करने के लिए हम एग्जैक्टली exactly ऐसा ही करेंगे कि अपने इसी ऑन क्रिएट के मेथड में रहते हुए हम लोग यहाँ जहाँ पे हम क्राइम आईडी इस तरह से गेट कर रहे थे ये डिपेंडेंसी हमने ख़त्म करनी थी तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसा करता हूँ कि इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एंड बिकॉज इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ एंड अब मुझे क्या चाहिए सॉरी अब मुझे ये चाहिए कि मैं सिंपली यहाँ पे इंटेंट को गेट करने की बजाय आप ज़रा देखिएगा मेरे पास एक मेथड है गेट आर्ग्यूमेंट्स का सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस गेट आर्ग्यूमेंट्स मेथड ये मुझे सारे आर्ग्यूमेंट्स दे देगा डॉट गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा यानी इसमें से जो सीरलाइजेबल आर्ग्यूमेंट है मैंने उसको गेट कर लिया और इसमें मुझे की देनी है वो की जो मैं आर्ग्यूमेंट को ऐड करते हुए दे रहा था बंडल के साथ आपको याद होगा उस की के लिए मैंने यहाँ पे यूनिक आई डी बनाई थी विच इज़ दिस वन सो आई एम गोइंग टू से आर्ग्यूमेंट क्राइम आई डी तो ये मुझे ये वाला जो क्राइम आई डी है रिटर्न करेगा सो आई एम गोइंग टू गेट द क्राइम आई डी आई एम गोइंग टू पास इट टू द क्राइम लैब एंड दैट्स एट सो so नाउ ये जो क्राइम फ्रेगमेंट है दैट्स इंडिपेंडेंट और ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो गया है ये रीयूजल भी हो सकता है इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है क्राइम एक्टिविटी क्लास के ऊपर से तो इसी के साथ हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हाउ इज़ इट वर्किंग नाउ सेम बिहेवियर जी हमारे पास यहाँ पे टाइटल जो है पेयर हो रहा है और ये जो हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो दे रिमेन देयर और ये वापस सब सब कुछ हो रहा है अब सिर्फ एक लास्ट चेंज रहेगी वो लास्ट चेंज ये कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ दैट चेंज इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ओवर देयर फाइव फोर फोर सेवन एट एंड सॉल्व से इसको कर देता हूँ तो दिस चेंज हेयर मॉडल में हो गई है असल में लेकिन यहाँ रिसाइकलर व्यू में नजर नहीं आ रही तो रिसाइकल व्यू को मुझे ज़ाहिर अपडेट करना होगा इसको नोटिफाई करना होगा एडॉप्टर के ऊपर एक सेट नोटिफाई का सेट नोटिफाई चेंज यहाँ मेरे ख्याल नोटिफाई चेंज का एक मेथड है हम उसको कॉल करेंगे तो वी विल सी द चेंज एयर सो लेट्स डू दैट इन द कोड बट बिफ़ोर वी टू दैट इन द कोड एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लें दोबारा से क्राइम एक्टिविटी क्लास के अंदर इनफैक्ट हम अभी भी ये न्यू इंटेंट वाला मैथड तो हमने रखा हुआ है हो सिर्फ ये रहा है कि जहाँ हम क्राइम फ्रेगमेंट में आके गेट इंटेंट कॉल कर रहे थे ये इंटेंट तो गेट करना फ्रेगमेंट का काम नहीं है बिकॉज ये इंटेंट यूज़ होता है एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए ना कि फ्रेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए सो so, जैसे फ्रेगमेंट्स एक्टिविटी uh, स्टार्ट होती है तो उसके अंदर फ्रेगमेंट क्योंकि होस्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है तो हम फ्रेगमेंट में आके इंटेंट को गेट नहीं करेंगे हमने क्या किया हमने एक्टिविटी में ही रहते हुए अपना इंटेंट गेट किया और उस इंटेंट को गेट करने के बाद अपना फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने उसको कुछ इन्फॉमेशन दे दी जिसके ऊपर उसको लोड होना है तो इस फ्रेगमेंट को लोड होना है इस क्राइम आईडी डी की बेस के ऊपर और उसकी डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले करनी है तो हमने इस तरह से इस फ्रेगमेंट में से इंटेंट का वाला जो फंक्शनैलिटी है इंटेंट को गेट करना उसके उसमें से डेटा निकालना ये सब काम हमने निकाल दिया बिकॉज ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है ये इसको डिपेंडेंट बना रहा है क्राइम एक्टिविटी के ऊपर सो so, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी क्लास के अंदर होनी चाहिए सो वी एडेड दैट इन द क्राइम एक्टिविटी क्लास अच्छा जी अब आ, अपने रिसाइकलर व्यू को चेंज नोटिफाई करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ सिर्फ आपको बताता चलूँ हमारे पास सिनारी कुछ इस तरह से हो रहा है कि जब हम लोग किसी भी एक्टिविटी सॉरी रिसाइकलर व्यू पे किसी भी क्राइम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इट ओपन एन अधर एक्टिविटी एंड वो जो हमारी रिसाइकलर व्यू वाली यानी क्राइम लिस्ट वाली जो एक्टिविटी है वो बैक स्ट्राइक पर चली जाती है और ये टॉप के ऊपर जो है हमारा नया वाला जो एक्टिविटी है वो आ जाती है जैसे हम बैक पे क्लिक करते हैं बैक प्रेस करते हैं तो अगेन क्या होता है इसको पॉप कर दिया जाता है और आ, हमारा जो जो भी रूट के ऊपर जो भी नोड पड़ा हुआ है दैट मीन्स बेसिकली दस एक्टिविटी ये हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाती है और इसका ऑन रिज़्यूम जो है वो कॉल होता है जब इसका ऑन रिज्यूम कॉल होता है तो इसी तरह से हमारे फ्रेगमेंट का भी ऑन रिज्यूम कॉल होता है सो तो हमें यहाँ पे जो चेंज रिफ्लेक्ट करनी है वो हमें ऑन रिज़्यूम के मैथड के अंदर करनी होगी बिकॉज जैसे एक्टिविटी रिज़्यूम होगी तो फ्रेगमेंट भी साथ ही उसके उसके अंदर जितने भी होस्टल फ्रेगमेंट्स हैं वो रिज़्यूम हो जाते हैं सो आई कम टू दिस क्राइम लिस्ट एक्टिविटी क्लास इसमें हमने जो फ्रेगमेंट यूज़ किया हुआ दैट इज द क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट तो मैं क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसी क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास के अंदर दिस इज द क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास ऑन क्रिएट व्यू जहाँ मैंने किया हुआ है आई कैन एक्चुअली यहाँ पर मैं एक और मैथड ओवर कर सकता हूँ सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑल इन सर्ट आई वॉन्ट टू ओवरइड अ मैथड मैथड का नाम है जी ऑन रिज्यूम सो बिकॉज मुझे उसके पैरामीटर्स एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं इसको इसी तरह से ऑटो जनरेट करा देता हूँ सुपर डॉट ऑन रिज्यूम कॉल हो गया अब सवाल यह है कि मुझे इसमें क्या करना है रिज्यूम के अंदर मुझे इनफेक्ट करना यह है कि दोबारा से ना जिस तरह से आप क्रिएट व्यू के टाइम पे अपडेट यूज़र इंटरफेस का मेथड कॉल कर रहे थे और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि अपडेट यू का मेथड क्या करता है अपडेट यू का मेथड लैब सिंगल टन ऑब्जेक्ट लेता है उसमें से लिस्ट निकालता है लिस्ट को अडॉप्टर को पास करता है और रिसाइकलर व्यू का एडॉप्टर सेट कर देता है सो फ्रेश फर्स्ट टाइम जब भी यू बनेगी तो ये सारे स्टेप्स होंगे लेकिन जब सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ टाइम वो यू नज़र आ रही होगी तो हमें फ्रेश लिस्ट नहीं लेनी लैब से बल्कि हमें क्या करना है हमें इस अडॉप्टर को फ़्रेश लिस्ट देने की बजाय जो अपडेटेड लिस्ट है वो देनी है सो हाउ विल वी डू दैट Uh, सबसे पहले जी यहीं पे मैं अपडेट यूआई का मेथड एक दफ़ा कॉल कर देता हूँ कि जब रिज्यूम हो तो दोबारा हमारा यूज़र इंटरफेस जो है वो अपडेट हो जाए सो so, यूज़र इंटरफेस अपडेट हो गया अब यहाँ पे मैंने ये करना है मैंने देखना है कि यार अच्छा अगर तो ये अपडेट यूआई फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है दैट मीज ऑन क्रिएट व्यू में से कॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो क्राइम अडॉप्टर है ये नल होगा सो so, मैं ये देख लेता हूँ कि अगर मेरा क्राइम अडॉप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी नहीं बना इसका मतलब है कि वो नल है तो अगर वो नल है तो उसका मतलब है कि उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको रिसाइकलर व्यू का जो एडाप्टर है उसको सेट कर दो लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम कॉल नहीं हो रहा है इसका मतलब है रिज्यूम पे कॉल हो रहा है तो हमें अब अब दोबारा से अडोप्टर सेट नहीं करना हमें इस लिस्ट को अडोप्टर को पास नहीं करना बल्कि हमें क्या करना होगा हमें सिंपली ये जो हमारा अडोप्टर है विच इज़ दिस क्राइम अडोप्टर मैं क्राइम अडोप्टर का एक मैथड है विच इज़ कॉल्ड द नोटिफाइड चेंज या सेट नोटि नोटिफाइड चेंज नोटिफाइड डेटा सेट चेंज या इस मैथड को मैं कॉल कर देता हूँ जैसे ही मैं इस मैथड को कॉल करूँगा तो अब क्या होगा ऑन रिज्यूम के ऊपर हमारा ये मैथड जो है ज़ाहिर कॉल होगा अपडेट यूए की वजह से इसमें नोटिफाइड डेटा सेट चेंज का मैथड हम कॉल करेंगे जब भी हम सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टाइम रिसाइकलर व्यू के ऊपर वापस आ रहे होंगे सो आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन नॉ एंड सी हार्डवर्कस तो हम देखते हैं अपनी एप्लीकेशन को सो दिस इज़ अगेन द लिस्ट मैं पहले क्राइम का ज्टेटस है उसको चेंज करता हूँ इसको ज़ीरो की बजाय मैं कह देता हूँ ज़ीरो ज़ीरो सेवन एंड आई कम बैक अब जो मेरा रिसाइकलर व्यू है उसमें मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है इसका नोटिफाई चेंज का मैथड कॉल हुआ है और अगेन इसका टाइटल भी अपडेट हो गया है इसका यहाँ पे जो इमेज है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास अपडेटेड फॉर्मेट के साथ आ रहा है so सो मैं इसका भी स्टेटस चेंज कर देता हूँ इसका भी स्टेटस चेंज कर देता हूँ सो आई कैन सी दैट दिस इज नाउ हैव स्टार्टेड वर्किंग तो गैज दिस इज़ इट हमें ये छोटी सी चेंजेस करनी थी टू बेसिकली इन्हांस द बिहेवियर ऑफ आर प्रीवियस एप्लीकेशन आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एंड इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्लीज़ गो एंड एड दैट टू योर प्रीवियस पार्ट एंड सी हार्ट वर्क एट योर पार्ट अच्छा इसके अंदर एक छोटी सी चीज सिर्फ और बताता चलूँ बिफोर वी मूव ऑन आई कैन ऑल्सो गेट द रिज़ल्ट विद द फ्रेगमेंट्स सो जहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट uh, एक्टिविटी का मैथड कॉल किया था यू कैन ऑल्सो कॉल द स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट मैथड सिमिलरली जब आप स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट मैथड कॉल करते हो तो आप लोगों को ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मैथड भी ओवर राइड करना पड़ता है तो यू कैन डू दैट टू Uh, यानी कि जो आपका क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट वाली क्लास है जहाँ पे आप ऑन क्लिक के मेथड को हैंडल कर रहे थे और उसमें स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल कर रहे थे दैट्स क्वाइट पॉसिबल इफ़ यू वांट टू गेट बैक समथिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एक्टिविटी तो आप स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मैथड भी कॉल कर सकते हो इट्स गोइंग टू वर्क इन द वेरी सिमिलर फैशन जिस तरह से वो सिंपल एक्टिविटी के साथ काम करता था तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज़ द व्यू पेजर और व्यू पेजर की जो फंक्शनैलिटी है हम इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सी के वो हमारे एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस या बिहेवियर को किस तरह से इन्हांस कर सकती है विद डेट आई विल स्टॉप हिर एंड थैंक यू